मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो बैठे हैं मेरे भाई और बंधुओं, उनको मेरा सादर प्रणाम। आपके गुड़ा गोड जी की आज धरा पर आए हैं सत्ता संकल्प यात्रा लेके, बहुत और उम्मीद के साथ आए हैं व्यवस्था के लिए। आपने जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, प्रिया और आरएलपी टीम आपका सदा आभारी रहेगी, जब तक रहेगी आपकी शुक्रगुजार रहेगी कि आपने इतना प्यार और सम्मान दिया है। बेनीवाल भाई साहब के लिए मैं क्या कहूँ, वो तो किसानों के मसीहा है, वो दुख दर्द में काम आते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलवीरा। तो वो छवि है हनुमान बेनीवाल भाई साहब की कि आज आदमी दुख हार के, दुख तकलीफ में जब सब तरह से हार जाता है, तब बेनीवाल भाई साहब के पास आते हैं और यहाँ इनके पास जो आता है आज तक खाली नहीं गया है। कहते हैं राजस्थान में बहुत कुछ दिया है बीजेपी कांग्रेस ने, सिवाय गुलामी के आपको कुछ नहीं दिया। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हो आप लोग, मैं खुद जकड़ी हुई हूँ। मैं आरएलपी टीम का हिस्सा बन के, भाई साहब को मजबूत बना के, इसीलिए आप आज के आपके शहर में आई हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, पहले भी जागो तभी सवेरा है, अब सवेरा है, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। महिला उत्पीड़न के मामले सिर्फ राजस्थान के देखें तो 13,890 हैं, 2023 की कोई मतगणना नहीं है, 15,000 से ऊपर क्रॉस कर गए। महिलाएं कब तक शिकार होती रहेगी, महिलाओं को किसानों का हक नहीं मिलता, उनके अधिकार नहीं मिलते, नवरुआ रोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं, व्यवस्था सुधारनी है। अपने हक और लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, आप भी हमारा हिस्सा बनो, हम आपके बिना कुछ नहीं है, आपका सहयोग आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर आरएलपी टीम को मजबूत बनाएं, बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाएं, यही आस और उम्मीद के साथ नया राजस्थान का सवेरा करें। 2023 में आपको एक इतिहास लिखना है कि हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल हो, गरीबों का हक मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित होगी, किसानों को उनका हक मिलेगा, नव रोजगार, जो युवा बेरोजगार है वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, पेपर लीक नहीं होंगे। इतने हौसले और बुलंद की आवाज मेरी अगर बुलंद है, पिछले मेरे इंटरव्यू सुन लीजिए और सत्ता संकल्प यात्रा में सुन लीजिए, आज जितना कॉन्फिडेंस और कितना विश्वास है वो सिर्फ एक ही इंसान की वजह से है, वो बेनीवाल भाई साहब की वजह से है। मुझे मजबूत बनाया है आरएलटी टीम ने। मैं बहनों से यही बात कहूंगी कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, एक सृष्टि की रचना महिलाएं करती है, एक पूरी प्रजाति को जन्म महिलाएं देती है। मेरी माता और मेरी बहनों, आप किसी से कम नहीं हो, आपको राजस्थान का इतिहास रचना है, राजस्थान का इतिहास लिखना है, तो आप बोतल के बटन पे ज्यादा से ज्यादा मत दीजिए और हनुमान बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाइए। आरएलपी टीम, धन्यवाद।